बड़ी खबर यह है कि आज लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाएगा। एनडीए और विपक्ष के बीच नंबरों के लिए घमासान होगा। अविश्वास प्रस्ताव पर 11 बजे से बहस शुरू होगी और शाम 6 बजे के बाद वोटिंग होगी। और आज संसद में राहुल गांधी को भी बोलने का मौका मिलेगा पीएम के सामने। आज अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी शाम 6 बजे के बाद। 4 साल हो चुके हैं मोदी सरकार को, यह पहला मौका है जब संसद में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करेगी मोदी सरकार। हालांकि आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो मोदी सरकार के पास पर्याप्त संख्या में संख्या बल है, लेकिन फिर भी बहुत से मुद्दों को लेकर विपक्ष आक्रामक है। एड़ी चोटी का जोर सरकार ने भी लगाया है। जो गैर यूपीए दल हैं, जो एनडीए के घटक नहीं हैं, उनसे लगातार संपर्क भी साधा जा रहा है और अविश्वास प्रस्ताव की वोटिंग के दौरान समर्थन की अपील की गई है। वहीं यूपीए की बात की जाए तो लगातार यूपीए विपक्ष की ताकत को एकजुट करने में लगा हुआ है। प्रदीप कुमार हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं फोनलाइन। प्रदीप, आज का दिन बहुत गहमा गहमी भरा रहने वाला है। देखिए बिल्कुल, और मोदी सरकार के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव है, निगाहें लगी हैं इस बहस पर जो शुरू होगी 11 बजे, और बहस शुरू होगी करीब तकरीबन 7 घंटे का वक्त तय किया गया है। अलग अलग पार्टियों को अलग अलग वक्त दिया गया है, उनकी स्ट्रेंथ के मुताबिक सबसे ज्यादा वक्त होगा बीजेपी के पास। निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण ये मुकाबला देखना होगा, क्योंकि परसेप्शन की लड़ाई ये कहा जा रहा है विश्वास प्रस्ताव, ये विपक्ष को भी मालूम है कि जो आंकड़े हैं वो सरकार के पक्ष में है। लेकिन जिस तरीके से माहौल बना है पिछले कुछ दिनों में, खासतौर से चौथे साल के दौरान, उसमें विपक्ष को लगता है कि मोदी सरकार की जो नीतियां रही हैं और वो विफलताएं रही हैं वो ठीक से भुना पाएंगे। और यही वजह है कि रणनीति बदली, विपक्ष ने पिछला सत्र धुल गया था लगातार आरोप प्रत्यारोप के चलते, इसलिए इस सत्र के दौरान ये माना जा रहा है कि चुनावी साल है और ऐसे में मानसून सत्र के दौरान यहाँ पर अपने अपने मुद्दे होंगे, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव मूव किया गया था। टीडीपी का मंजूर हुआ, बाकी दलों ने समर्थन दिया और आज इस पर बहस शुरू होनी है। तो अलग अलग पार्टियों को बोलना है इस पर। सबसे पहली शुरुआत तेलुगु देशम पार्टी के सांसद करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका प्रस्ताव था, उसको मंजूरी मिली है, उसके बाद बाकी पार्टियों को समय मिलेगा। राहुल गांधी भी अपनी बात रखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी के भाषण के जरिए ये साफ होगा, क्योंकि एक चर्चित बयान था, उनका याद दिलाना चाहूंगा, 15 मिनट अगर मैं बोलता हूँ सदन के अंदर प्रधानमंत्री सुन नहीं पाएंगे, तो ये जरूर है कि अब वो मौका उनको मिल रहा है, क्या वो अपनी बात रखेंगे। तकरीबन 39 मिनट का टाइम मिला है कांग्रेस को, और माना जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी बोलेंगे जो कि कांग्रेस के नेता सदन है, बाकी पार्टियों के नेता बोलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे आखिर में अपनी बात रखेंगे और उनके पास पूरा मौका होगा सरकार की उपलब्धियों को गिनाने का। साथ ही जो ये माना जा रहा है कि 2019 का चुनावी मुकाबला है, ये पिच तैयार हो रही है, कौन किस पर भारी पड़ता है परसेप्शन की लड़ाई में, ये बड़ा सवाल है और उसी का इंतजार है, क्योंकि बहस के दौरान ये साफ होगा कि कौन किस पर भारी है और जनता किन मुद्दों को तवज्जो देती है। क्योंकि दिलचस्प बात ये है प्रदीप, क्योंकि 3 महीने पहले मार्च में जब अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की कोशिश की गई थी तो सरकार ने खारिज कर दिया था, फिर अचानक रणनीति में क्यों बदलाव, सरकार क्या चाह रही है, क्या उसके जहन में कोई ना कोई इसके पीछे एक बड़ा लॉजिक होगा? देखिए बिल्कुल विन विन सिचुएशन इसको कहा जा रहा है। विपक्ष के पास भी मौका है सरकार से जवाब मांगने का, सरकार को घेरने का, दूसरी तरफ सरकार के पास भी मौका है कि वो अपनी उपलब्धियां बता सके इस मंच के जरिए, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव अगर ये फुलतौस गेंद है विपक्ष की ओर से, तो मोदी के पास यानी प्रधानमंत्री मोदी जिस वाकपटुता के लिए जाने जाते हैं उनके पास मौका होगा छक्का मारने का, लेकिन अगर विपक्ष की गुल्ली पड़ी तो गोल होने का भी खतरा है। तो ये देखना होगा कि क्या विपक्ष अपने सर्कस से तीर निकालता है और खासतौर से किन मुद्दों पर वो बहस करता है। अलग अलग मुद्दे बताए जा रहे हैं, चाहे वो बैक करप्शन की बात हो या फिर मॉब लिंचिंग की बात हो, इसके अलावा भी किसानों की समस्या, एमएसपी रेट को लेकर भी जो सरकार ने 150 गुना दावा किया उसको लेकर भी विरोध हो रहा है। तो ये अलग अलग मुद्दे हैं, आंकड़ों के लिहाज से इनका कितना तर्क के साथ यहाँ पर जवाब देगा विपक्ष, ये देखना दिलचस्प होगा और उसी पर इंतजार रहेगा प्रधानमंत्री के जवाबी हमले का। तो अलग अलग नेता भी बोलेंगे और निश्चित तौर पर ये देखना दिलचस्प होगा कि इस मुकाबले में कौन किस पर भारी पड़ता है। और ये तो तय है कि उपचुनाव हारने के बावजूद भी जो बीजेपी है उसके पास पर्याप्त संख्या बल है, बहुमत है, ऐसे में और कुछ सहयोगी भी है साथ में, ऐसे में अगर संख्या बल की बात की जाए, आंकड़ों को जुटाने की बात की जाए, तो शायद उसमें कोई दिक्कत नहीं है सरकार को।
देखिए बिल्कुल 2014 में जिस तरीके से भारी बहुमत के साथ यहाँ पर बीजेपी सत्ता में आई थी ये सबने देखा था, और उसके बाद लगातार अलग अलग जो समीकरण बनकर उभरे हैं आपने जिक्र किया उपचुनाव का, निश्चित तौर पर उपचुनाव के नतीजों में कहीं ना कहीं बीजेपी को हार मिलती रही है और इसीलिए उसका आंकड़ा अब 273 का हो गया है सदन के अंदर। यानी अगर देखिए आप इस मौजूदा दौर में 2014 में जब लोकसभा चुनाव जीता था बीजेपी 282 सांसदों के साथ आई थी, इसके अलावा उनका गठजोड़ था चाहे वो शिवसेना की बात हो एलजेपी की अकाली दल की अपना दल के साथ मिलकर 336 सदस्यों का महागठबंधन बन गया था, तो काफी महत्वपूर्ण ये गठबंधन था। 273 सांसद फिलहाल है क्योंकि अलग अलग उपचुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी के सांसद जो अलग अलग वजह से नहीं रहे या अलग अलग वजह से वो प्रदेशों में चले गए तो उसकी वजह से वो सीटें खाली हुई थी, और यही वजह है कि उपचुनाव में विपक्ष को कामयाबी मिली थी और ऐसे में ये आंकड़ा 273 हो गया। लेकिन जो यहाँ पर 545 सदस्य की संख्या है वो घटी है स्टैंड, और 268 यानी 268 सांसदों की जरूरत पड़ेगी बीजेपी को, वो बहुमत से ज्यादा है उनके पास आंकड़ा है। तो आंकड़ों के लिहाज से बीजेपी को कोई खतरा नहीं है, लेकिन कौन किसके पाले में दिखाई देता है और जो माहौल बनता है राजनीतिक पार्टियों का अलग अलग समीकरण है क्योंकि राज्य की सियासी मजबूरियां यहाँ पर दिखाई देगी, तो उसके जरिए ये साफ होगा 2019 की झलक यहाँ पर दिखाई देगी ये कहा जा रहा है। बिल्कुल प्रदीप बने रहिए, आपसे हम लगातार जानकारी लेते रहेंगे। सुबह 11 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो जाएगी, सभी दलों को समय दिया जाएगा बोलने का। इधर पीएम मोदी ने ट्वीट किया है आज के दिन को लेकर, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर पीएम मोदी का ट्वीट, लोकतंत्र के लिए अहम दिन बताया है प्रधानमंत्री मोदी ने और कहा है कि पूरे भारत की आज निगाहें होंगी संसद पर। प्रदीप पीएम का ट्वीट, देखिए बिल्कुल देखिए साफ है कि प्रधानमंत्री इसको 2019 के चुनाव से जोड़ रहे हैं इस मुकाबले को, बीजेपी की रणनीति भी यही है। पिछले सत्र में विपक्ष को मौका नहीं मिला और जब एआईएडीएमके इसके अलावा दूसरे दल थे वो प्रदर्शन कर रहे थे, माना गया कि सरकार की शह पर वो प्रदर्शन कर रहे हैं, विपक्ष ने आरोप लगाया इसलिए रणनीति बदली उन्होंने। इस सत्र के दौरान उन्होंने अपनी सीट पर बैठकर ही विरोध दर्ज कराया, निश्चित तौर पर तेलुगु देशम पार्टी के सांसद वेल में गए थे लेकिन जब अविश्वास प्रस्ताव मंजूरी उसको मिली 0 ओवर में तब वो अपनी सीट पर थे। तो ये जरूर है कि ये दिखाने की कोशिश है विपक्ष की कि वो सदन को चलाना चाहते हैं, बहस करना चाहते हैं, सरकार से जवाब मांगना चाहते हैं। लिहाजा सरकार ने अपनी रणनीति में बदलाव किया था, उनको भी ये लगा कि चुनावी साल है, अगर वो अविश्वास प्रस्ताव से बचकर निकलना चाहेंगे तो मैसेज गलत जाएगा, लिहाजा अब मुकाबला आमने सामने का होगा और इसीलिए दोनों दलों को यानी विपक्ष की बात करें सत्ता पक्ष की बात करें उनको मौका मिलेगा अपनी बात रखने का, कौन किस पर यहाँ पर जवाबी हमले में कितना धारदार तरीके से अपनी बात रख पाता है आंकड़ों के जरिए जिस अंदाज में प्रधानमंत्री भाषण देते हैं वो जाहिर है। तो ये जरूर है, ये तमाम सवाल है, विपक्ष नहीं समझता है कि अगर प्रधानमंत्री का मुकाबला करना है तो अब पीछे हटकर मुकाबला नहीं होगा बल्कि अब मैदान में उतरकर मुकाबला करना ही होगा, इस वजह को पीछे छोड़ते हुए कि अगर वो सामने खड़े हो जाते हैं उनके सवालों से बचते हैं तो उनको राजनीतिक फायदा मिलेगा। ये मुकाबला सदन के अंदर दिखेगा, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस शुरू होगी 11 बजे और उसके बाद ये मुकाबला शुरू हो जाएगा। मौजूदा वक्त की अगर बात की जाए तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार के पक्ष में नहीं है, फिर चाहे वो लचर आर्थिक नीतियों का मुद्दा हो प्रदीप, या फिर शिक्षा व्यवस्था हो, या फिर मॉब लिंचिंग का मुद्दा हो, विदेश नीति पर भी सरकार को कुछ सफलता मिली है लेकिन असफलताएं भी कम नहीं है सरकार की, और इसी इन्हीं मुद्दों को लेकर विपक्ष आक्रामक भी हम देख भी रहे हैं, लामबंदी है, घेराबंदी है, कल का दिन पूरा हंगामेदार रहा प्रदीप। देखिए बिल्कुल, और यही वजह है कि इस पर निगाहें लगी हैं। दूसरी तरफ देखें आप, कई मुद्दे हैं विपक्ष ने जो मुद्दे गिनाए, चाहे वो मॉब लिंचिंग की बात हो यानी भीड़ के द्वारा हत्या की घटना जो अलग अलग देश के हिस्सों में हुई है, इसके अलावा किसानों की समस्याओं की बात हो, हाल में हालांकि काफी एक्टिव दिखती है सरकार किसानों को लेकर संवाद करते नजर आए हैं प्रधानमंत्री, और सरकार की बेनिफिशियरी योजनाओं का नमो ऐप के जरिए उन्होंने प्रचार प्रसार करना शुरू किया है। तो ये जरूर है कि हमलावर तेवरों में बीजेपी दिखाई दे रही है, प्रधानमंत्री प्रचार संभाल रहे हैं, विपक्ष के पास ये मौका होगा कि वो इन तमाम योजनाओं को आंकड़ों के जरिए बताने की कोशिश करेगा कि जमीन पर कुछ नहीं हुआ, और यही वजह है कि चाहे वो बैंक करप्शन की बात हो यानी नीरव मोदी जो मेहुल चौकसी जो प्रकरण हुआ उसके बाद
विजय माल्या जैसे जो जो घटनाक्रम रहे हैं, तो इन तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने का उसको मौका मिलेगा। राफेल डील की बात करें, लगातार कांग्रेस ये सवाल उठाती रही है, राहुल गांधी ये सवाल उठाते रहे हैं और उसी पर उन्होंने चर्चित बयान भी किया था 15 मिनट का। तो इंतजार रहेगा कि किन आरोपों के साथ राहुल गांधी अपनी बात रखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर परसेप्शन की बात करें, यानी राजनीति में एक जो भाषा होती है उसकी बात करें, जो राजनीति में जनता को मैसेज दिया जाता है, वो बड़ा मौका होगा विपक्ष के पास भी। सरकार को ये बताने का मौका होगा कि वो अपनी उपलब्धियां जो बता रही है, जिस तरीके से प्रचार प्रसार चल रहा है, वो जमीन पर कितनी हकीकत है, और विपक्ष के पास ये मौका होगा कि वो उनको आंकड़ों के जरिए गलत साबित कर पाए। तो यही सबसे बड़ी बात है। निगाहें रहेंगी सहयोगी दलों के रूप पर भी, क्योंकि कहीं ना कहीं शिवसेना ने जिस तरीके से कल चिट्ठी आई समर्थन की, वो यहाँ पर समर्थन करेंगे सरकार के पक्ष का, उसके बाद शिवसेना ये पत्ते खोलने के लिए तैयार नहीं है। सदन के अंदर फ्लोट है, इसमें कुछ पार्टियों की रणनीति जाहिर होगी, तो इंतजार करना होगा इन वक्त, अगर वो अपनी रणनीति बदल लेते हैं, यानी बहस के बाद ये तय होगा कि कौन पार्टी किसके पाले में दिखाई देगी। वोटिंग का जो महत्वपूर्ण दौर होगा वो काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगर कुछ सांसदों ने अंतरात्मा की आवाज सुन ली तो निश्चित तौर पर चुनावी साल में कुछ बड़ा आपको फेरबदल देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर प्रदीप, देखें तो ये आंकड़े, ये तमाम मुद्दे 2019 में लेकर जाएगी सरकार भी और विपक्ष भी। बिल्कुल, 2019 की लड़ाई है, पिच वो उसी तरीके से तैयार की जा रही है। लिहाजा उस नजरिए से अगर देखें तो आप निश्चित तौर पर ये तय मानिए कि 2019 का मुकाबला यहाँ पर लड़ा जा रहा है और वो सदन में आज लड़ाई शुरू हो जाएगी। कहा जा रहा है कि महागठजोड़ बन रहा है विपक्ष की ओर से बीजेपी के मुकाबले में, उसकी भी झलक आपको सदन के अंदर आज दिखाई देगी। तो 2019 का चुनावी मुकाबला अभी भले ही दूर दिखाई दे, जबकि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि तय वक्त से पहले चुनाव हो सकते हैं, लेकिन आज कौन पार्टी किसके साथ होगी या किसका क्या नजरिया होगा वो सदन के अंदर दिखेगा, और उससे 2019 का चुनावी मुकाबला कैसा होगा उसकी झलक मिलेगी। तो इंतजार कीजिए कौन किसके साथ है, इस मुकाबले में कौन किस पर भारी पड़ता है।